मध्य प्रदेश के मनावर में ओंकारेश्वर परियोजना चतुर्थ चरण नहर में पानी नहीं छोड़ने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने वचरण नहर संघर्ष समिति ने अनेकों बार ज्ञापन दिए, लेकिन इस ओर ना तो स्थानीय प्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासन ने, जिससे परेशान होकर विधानसभा मनावर धर्मपुरी व कुक्षी के किसानों ने मनावर SDM कार्यालय के सामने पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि हम 3 विधानसभा के 119 गांव के किसानों को ओंकारेश्वर परियोजना नहर 4 में पानी नहीं मिलने से परेशानी है। यह योजना लगभग 400 करोड़ की है और 2013 में पूर्ण होकर किसानों को पानी देना था, मगर समय अवधि से 6 वर्ष अधिक हो गए, मगर अभी तक किसानों को पानी नहीं मिला। किसानों का कहना है कि सरकार व प्रशासन दोनों हमारी मांग नहीं सुनते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। भगवान देवड़ा ग्राम टोकी, ये चौथा चरण नहर के बारे में है और ये करोड़ रुपए खर्चे होते हुए भी पानी नहीं आया और 13 में आना था, बाकी अभी तक पानी देने की समस्या है। अधिकारी लोग मतलब हमारी किसानों की कोई समस्या नहीं सुनने जा रहे हैं और लेत लाली करते जा रहे हैं और झूठा आश्वासन दे दे के परेशान कर रहे हैं और ये करोड़ों रुपये खा रहे हैं बिल्कुल कि काम कर रहे हैं करके साल भर से परेशान कर रहे हैं और उनके साथ में हम भी थे, बाकी हमको भी झपकू दे के माल निकालते जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे पूरा। कब तक का धरना? कहिए धरना चलेगा, अभी हम अनिश्चितकालीन चलेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं, क्या मांगे नहीं पूरी करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे हम। ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।